हाय दोस्तों, मेरा नाम नाजिश है। मैं TCNP की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबकी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रथम बुक्स की कहानी सुनाऊंगी और इसका नाम है काली बस नाचना चाहता है। इस कहानी को लिखा है अपर्णा कार्तिकेयन ने और इसके चित्र बनाए हैं सोमेश कुमार ने। अनुवाद क्या है स्वागता सेन पिल्लई ने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नाचना गाना या फिर ढोलक बजाना क्या ये सिर्फ महिलाओं के काम है? क्या इन्हें महिलाएं ही कर सकती हैं? और अगर कोई पुरुष नाचता है या फिर ढोल बजाता है तो हमारे समाज की क्या सोच होती है उस पुरुष के लिए? क्या वो ये चीज़ पसंद नहीं करते? पुरुष का डांस करना, पुरुष का ढोल बजाना, भरतनाट्यम करना, आपको क्या लगता है? तो आज की हमारी कहानी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं काली की कहानी के बारे में। कोवलम के छोटे से मछुआरा गांव में काली वीरभद्रीन मशहूर है। इसलिए नहीं कि वह कोई नायक है, इसलिए भी नहीं कि उसने बड़े बड़े बदमाशों को हराया है। वह मशहूर इसलिए है कि उसने नाचना सीखा। वर्ष है 2004 और काली 8 साल का है। बहुत से और लड़कों की तरह वह भी स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है और टीवी देखता है, मगर लड़कों से हटके काली नाचता भी है। काली को टीवी पर पद्मिनी का नृत्य देखना बहुत पसंद है। वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। काली उन्हीं की तरह घुंघरू बांधकर भरतनाट्यम नाचने की कोशिश करता है। आप देख रहे ना पिक्चर में, काली वैसे ही कोशिश कर रहा है। आपने कभी देखा है किसी लड़के को डांस करते हुए या फिर भरतनाट्यम करते हुए? या फिर आपने कभी किया है? ऐसे नकल करके नाचते नाचते काली इतना अच्छा नाचने लगता है कि उसके अध्यापक उससे विद्यालय के कार्यक्रमों में नृत्य करने को कहते हैं। कुछ ही समय में उस छोटे से मछुआरा गांव में काली भरतनाट्यम नर्तक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन सराह चंदा, जो कि चेन्नई की अस्पताल की संचालिका है, उसे मंच पर नृत्य करते हुए देखती हैं। उसकी प्रतिभा को देखकर सारा अवाक हो जाती हैं। वे ये जानकर बहुत प्रभावित होती हैं कि काली ने इतना सब खुद ही सीखा है। क्या तुम कला क्षेत्र में भरतनाट्यम सीखना चाहोगे? कार्यक्रम के बाद वे उससे पूछती हैं। काली पहले तो हंस पड़ता है। भरतनाट्यम? दलित समुदाय से किसी को भरतनाट्यम सीखने का अवसर बहुत कम ही प्राप्त हुआ होगा, और उसमें पारंगत होने की बात तो बहुत दूर की है। काली के परिवार में नृत्य के कक्षा के लिए पैसे कभी जुट ही नहीं पाएंगे, और फिर लड़कों का नृत्य को पेशा बनाते हुए किसने सुना है? मगर सारा मजाक नहीं कर रही थी। तुम्हें भरतनाट्यम की बाकायदा शिक्षा लेनी चाहिए, काली भी उसको बोलती है। तुम्हारी फीस मैं भर दूंगी। देखा ना आपने दोस्तों कि सारा ने काली के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली एक डांसर देखा, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसकी फीस भर दूंगी, बट इसे आगे जाना चाहिए, इसे अपने डांस में, अपने नृत्य में बेहतर करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उसे सपोर्ट किया। सारा उसे कला क्षेत्र दिखाने ले जाती हैं। कला क्षेत्र देश भर का सबसे अच्छा नृत्य और कला प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है, और चेन्नई स्थित बहुत सारे पेड़ों से घिरी हुई एक सुंदर जगह है। कला क्षेत्र संस्थान के प्रमुख लीला सैमसन, जो स्वयं भी भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना है, काली से नृत्य करने को कहती हैं। काली अपनी पैंट के ऊपर से ही धोती बांधकर एक फिल्मी गीत पर नाचता है। शिक्षक को उसे देखकर लगता है कि उसमें नर्तक बनने के गुण हैं, मगर काली तो ये तय ही नहीं कर पाया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है।
क्या उसे अभिनेता, कलेक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक या फिर नर्तक बनना चाहिए? उसके दोस्त और परिवार से भी उसे जवाब खोजने में मदद नहीं मिल पाती थी। आज तक कभी किसी ने नाचकर कोई पैसे कमाए हैं? ये तो समय बर्बाद करने वाली बात हुई, गुरगुराते हुए मामा जी कहते हैं। अरे लड़कियां नाचा करती हैं, तुम भी लड़की बन जाओगे, दोस्त उसे चिढ़ाते थे। देखा ना दोस्तों, अपने ऐसे सोच है हमारे समाज की। अम्मा काली से पूछती है, उसका दिल क्या कहता है? तुम्हें नृत्य पसंद है? क्या तुम नाचने से तुम्हें खुशी मिलती है? क्या तुम सारी उम्र यही करना चाहते हो? हाँ, नृत्य मेरे लिए सबसे भी बढ़कर है, अम्मा काली कहता है। फिर भी तुम किसी की मत सुनो, अगर इसी से तुम्हें खुशी मिलती है तो नृत्य ही सीखो, हमेशा की तरह अम्मा के पास उसके हर सवाल का जवाब था। तो स्कूल की अंतिम परीक्षा के बाद काली दक्षिण चित्र नामक एक संस्था में तीन तरह के लोक नृत्य सीखने लगता है, ओलियाट्टम, थापाट्टम और करगाट्टम। उसके अगले महीने से काली कला क्षेत्र में भरतनाट्यम सीखने लगता है। वहाँ शुरुआत के कुछ दिन उसे बहुत ही चुप चुप और डरावने से लगते हैं। जब सीखने का बोझ बढ़ जाता है और उसकी टांगों में दर्द होने लगता है, काली माँ के पास जाकर रोता है। तुम्हें भैंस चराने हैं क्या? अम्मा गंभीर होकर पूछती हैं। नहीं तो फिर जाओ और अपनी जी जान लगाओ। काली अपनी इस नई दुनिया में रमने लगता है, कुछ दोस्त बनाता है। जब भाषा की दिक्कत आती है, कुछ दोस्त तमिल नहीं बोलते हैं और तब काली मुद्राओं में बात करता है इशारे करते हुए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। तुमने क्या खा लिया? छुट्टियों में घर गए थे क्या? कला क्षेत्र में वह कुशल नर्तक बन जाता है। वह छरछरा, गठीला और ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। अब वह घंटों नाच सकता है। वह नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत भी सीखता है। देश भर और विदेश में आए हुए छात्रों में उसके कई सारे दोस्त बन जाते हैं। सभी अपने अपने अपनी आकांक्षाएं और घरों से लाई हुई खाने की चीज़ें भी काली के साथ बांटते हैं। काली को देश के कई स्थानों और विदेश से भी नृत्य के लिए आमंत्रण आते हैं। वह बस रेलगाड़ी और हवाई जहाज से कई जगह जाता है। उसकी दीदियाँ उसे छेड़ती हैं, याद है? बिना जी मिचलाए तुम्हारी बस यात्राएं पूरी नहीं हो पाती थी। काली भी हंसता है। उसके साथ वह ये सच था, बचपन में वह बस के सफर में हमेशा एक नींबू और प्लास्टिक की थैली अपने साथ रखता था। वक्त के साथ साथ काली नृत्य में कई पुरस्कार और सम्मान जीता है और फिर वह कोवलम में एक कुतम्बलम नाम से एक नृत्य विद्यालय आरंभ करता है। अब काली एक और कार्यक्रम के लिए तैयार है। वह ध्यान से अपनी रूप सज्जा करता है, सहजता से नृत्य की पोशाक पहनता है, शनील का सुंदर सा पर्दा उठाता है और काली नाचने लगता है, क्योंकि काली को तो बस नाचना है। काली एक नर्तक। द पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के अनुसार 25 वर्षीय काली वीर पतिरन शायद एकमात्र पुरुष नर्तक है जिसने शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के साथ साथ तमिलनाडु की तीन अन्य प्राचीन नृत्य शैलियों में दक्षा पाई। तमिलनाडु में चेन्नई के कुछ दूर स्थित कोवलम नाम के मछुआरों के पास एक गांव में पैदा काली ने बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया था। उसकी माँ एल मल्ली वीर पतिरन, जो निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत और अथक प्रयास से काली और उसके भाई बहनों की परवरिश की। चेन्नई के ग्रेमाल्टिस अस्पताल के प्रबंधन समिति की सदस्यता सारा चंदा ने देश की प्रमुख नृत्य प्रशिक्षण संस्था कला क्षेत्र में काली के प्रशिक्षण का खर्चा उठाया। काली ने दक्षिण चित्र में भी कन्नन कुमार के नृत्य शिक्षा प्राप्त की। नृत्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा करके काली ने कोवलम में
कुतम्बलम नाम से एक नृत्य विद्यालय स्थापित किया। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया ने काली पर एक वृत्त चित्र बनाया है। वह कई पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न चैनलों पर काली के साक्षात्कार आते हैं। नृत्य के लिए काली कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इसमें म्यूजिक एकेडमी मद्रास की स्पिरिट ऑफ यूथ पुरस्कार शामिल है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये एक छोटी सी कहानी थी काली की, जो सपने देखता है और उसे पूरा करता है पूरे जुनून के साथ। क्या आपने भी कोई ड्रीम देखा? आपका भी कोई सपना है कुछ हटके करने का, और ऐसा जिसे आपको परवाह ना हो कि समाज क्या कहेगा? जैसे काली को कोई परवाह नहीं थी कि समाज क्या सोचेगा, कि ये तो लड़कियों का काम है, ये लड़का क्यों कर रहा है। लेकिन उसे उससे नाचने से बहुत खुशी मिलती थी, तो उसने अपने सपने को पूरा किया। तो अगर आपका भी कोई सपना है और आप भी उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो जी जान से लग जाइए बिना लोगों की, समाज की परवाह करते हुए, क्योंकि उससे आपको जो खुशी मिलेगी वो शायद किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।